साल 2024 में बॉलीवुड और साउथ वालों ने मिलकर खूब भौकाल काटा है। कभी बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडस्ट्री का दबदबा रहा है तो कभी बॉलीवुड का। इस साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है। जितना फैंस को पुष्पा 2 बेबी जॉन का इंतजार है, उतना ही अगले 2 साल में आने वाली पिक्चरों को लेकर भी बस बना हुआ है। अगले 24 महीनों में 20 फिल्में आने वाली हैं, जिनकी ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वो 20 फिल्में कौन सी हैं और कब रिलीज होने रही हैं। शुरुआत करते हैं स्काई फोर्स से। जी हाँ, जनवरी में स्काई फोर्स रिलीज होने वाली है। 10 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर गेम चेंजर, वहीं रिपब्लिक डे यानी 24 जनवरी को स्काई फोर्स आने वाली है। फरवरी में वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 14 फरवरी को विक्की कौशल की छावा रिलीज होने वाली है। मार्च में होली के मौके पर अक्षय कुमार संक्रनम नायर की फिल्म आने वाली है। वहीं सलमान खान की सिकंदर ईद के मौके पर आने वाली है। बात करें अप्रैल में तो महावीर जयंती को यानी 10 अप्रैल को द राजा साहब गुड फ्राइडे आने वाली है। वहीं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। मई में महाराष्ट्र डे, दे दे प्यार दे 2, ये दोनों फिल्में आने वाली हैं। जून में बता दें कि ईद के मौके पर हाउसफुल 5 और ठग लाइफ क्लैश होने वाली है। अगस्त में गणतंत्र दिवस के मौके पर वॉर 2 और द दिल्ली फाइल्स रिलीज होने वाली है। वहीं सितंबर में 5 सितंबर को बागी आएगी। अक्टूबर में दशहरा, गांधी जयंती के मौके पर वरुण धवन, डेविड धवन और कांतारा चैप्टर 1 भी रिलीज होने वाली है। वहीं दिवाली के मौके पर थांबा भी रिलीज होगी। फिर उसके बाद आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर अल्फा रिलीज होने के लिए ऑल सेट है। वहीं 2026 की बात करें तो बता दें कि रिपब्लिक डे के मौके पर सनी देओल की बॉर्डर 2 आएगी। ईद में लव एंड वॉर आएगी साल 2026 में। वहीं दिवाली के मौके पर रामायण पार्ट 1 रिलीज होगी, ये भी साल 2026 की ही बात हो रही है। और क्रिसमस के मौके पर महाअवतार आएगी।